आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं करवा चौथ की पूजा में आप चांद की पूजा कैसे करें और पति की पूजा कैसे करें। करवा चौथ से रिलेटेड कई वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। चांद पूजा के लिए आप सबसे पहले उस जगह पर पहुंच जाएं जहां से आपको चांद अच्छे से दिखाई देता हो, जैसे छत से, बालकनी से या फिर किसी पार्क से, और अपनी पूजा सामग्री भी साथ में ले जाएं। पूजा आरंभ करने से पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और चांद को देखते हुए हम करवे से चांद को अर्घ देंगे। यदि आपके यहाँ करवे में पीली सींकें लगाई जाती हैं तो आप पीली सींकों को करवे में लगाकर ही चांद को अर्घ दें। यदि आपके यहाँ करवे में पीली सींकें नहीं लगाई जाती हैं तो आप करवे में बिना पीली सींकें लगाए भी चांद को अर्घ दे सकती हैं। चांद को अर्घ देते समय एक दोहा बोला जाता है, हरे बांस की छावड़ी गलमतियन की माल, चंद्रमा को अरक देऊं जीवो मेरा भरतार, आम तले मेरा माय का नीम तले ससुराल, पीहर माय का ऐसे बड़े जैसे दूब का नाल। जैसे दूब की घास कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है ऐसे ही मेरे ससुराल की और मायके के वंश वृद्धि होती रहे। अब हम चरण स्पर्श करेंगे चंद्रदेव के, और जो हमने करवे में सात सींकें लगाई हैं इन सींकों को हम चारों दिशाओं में फेंक देंगे। साथ ही आप पूजा में चांद पूजा का कोई मंत्र भी बोल सकते हैं। यदि आपको चांद पूजा का कोई मंत्र ना आता हो तो आप गणेश भगवान का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक माह की चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और करवा माता माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। अब हम करवा माता से अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही चलनी में एक जलता हुआ दीपक रखकर पहले हम चांद के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम अपने पति देव के दर्शन करेंगे। यदि आपके यहाँ चलनी से चांद नहीं देखा जाता है तो आप बिना चलनी के भी चांद का दर्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चंद्रदेव का पूजन करेंगे कुमकुम से, उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे और चंद्रदेव को हम आरती दिखाएंगे। साथ ही हमने जो पुष्प रखे हैं उनको भी हम चंद्रदेव को समर्पित कर देंगे और भोग के लिए जो भी मिठाई रखी है वो भी हम चंद्रदेव को समर्पित कर देंगे। इस तरह से आपको चांद को पांच बार या सात बार आरती दिखानी होती है। करवा चौथ पर चांद की पूजा के लिए आपको सफेद चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, जैसे सफेद पुष्प, सफेद मिठाई, और जो करवे में हम अर्घ के लिए जल भरेंगे उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और एक चांदी का सिक्का डाल देंगे। अब हम वहीं पर खड़े होकर के चांद की परिक्रमा भी कर लेंगे और चांद को प्रणाम करेंगे। इसके बाद हम अपने पति का पूजन करेंगे। यदि आप अपने पति का पूजन छत पर ही करती हैं तो आप छत पर करना, वरना आप अपने घर के मंदिर में भी अपने पति का पूजन कर सकती हैं। अब हम रोली से पहले पति को तिलक करेंगे, अच्छा चढ़ाएंगे और अपने पति देव की आरती करेंगे। साथ ही यदि आपने एक फूलों की माला ली है तो आप फूलों की माला पुष्प भी अपने पति को अर्पित करेंगी। करवा चौथ का व्रत हमें सिखाता है प्रत्येक स्त्री के लिए पति भगवान स्वरूप होता है, इसलिए हमें अपने पति का प्यार करने के साथ साथ सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि पति हमारे सुख दुख का साथी होता है। इसी तरह से पति को भी पत्नी की इज्जत और सम्मान करना चाहिए। अब हम पति को मिठाई खिलाएंगे, जो भी मिठाई आपने रखी है, साथ ही हम पति के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। इस दिन पति को अपनी पत्नी की मांग अवश्य भरनी चाहिए। यदि आपके पति आपसे दूर कहीं बाहर रहते हैं तो आप फोटो में या वीडियो कॉल पर भी यह पति पूजा की विधि कर सकती हैं। इसके बाद आपके पति आपको मीठा खिला करके और पानी पिला करके आपका व्रत खुलवा देंगे। इस तरह से करवा चौथ पर चांद की और पति की पूजा विधि संपूर्ण होती है। फ्रेंड्स, करवा चौथ पर पति पूजा, चांद पूजा का मेरा ये सरल सा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, बोलिए करवा माता की जय। जय माता दी।